अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन के अंदर ऐड कर दिया है 2 ग्लास हमारे पास है मिल्क और इसको हमने पैन में डालकर तो बॉईल करने के लिए रख दिया। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखी है और जब तक हम अब इसके लिए कस्टर्ड का एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। हमने ले लिया एक बाउल और इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला कस्टर्ड, हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून। इसके अंदर ये ऐड कर देंगे हम। और इसमें ऐड कर देंगे हम इस पॉइंट पर ही मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इससे बड़े मज़े का टेस्ट आएगा कस्टर्ड में, क्रीमी सा टेस्ट। 2 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे इसमें हम। और इसको हम दूध और डाल के तो इसको डिसॉल्व कर लेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं कस्टर्ड का, बट वनीला से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा तो आप वनीला ही ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी भी अगर आपको पसंद है तो स्ट्रॉबेरी का भी ले सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो लम्स है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसमें अराउंड मैंने आधा ग्लास डाल दिया है दूध। 2 ग्लास हमने बॉईल करने रख दिया है और आधा ग्लास तकरीबन हमने इसमें और मिल्क ऐड कर दिया है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे बस। देखिए दूध बॉईल होने वाला ही है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। इसके अंदर ऐड कर देंगे इससे पहले हम शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया है। नॉर्मली शुगर आप हनी भी ऐड कर सकते हैं और शक्कर भी और रेगुलर शुगर भी। अब ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसमें बॉईल आने वाला, बस 1-2 सेकंड हम इसको और कुक कर लेंगे ताकि ये जो इसके अंदर शुगर ऐड किया ना ये डिसॉल्व हो जाए। देखें दूध बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है और ये जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बना के रखा है इसको अगेन हम मिक्स कर लेंगे स्पून से, ताकि ये जो नीचे अगर कस्टर्ड थोड़ा बहुत बैठ भी गया है तो वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई कर दिया और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आपने इसमें मिक्स करने के बाद इसको चलाते ही रहना है वरना इसमें लम्स भी बन सकते हैं। देखिए कितना थिक हो गया और इसे हम आप थोड़ी देर कुक कर लेंगे ताकि इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए अच्छे से। अगर आप इसको बस ऐसे ही गर्म दूध में ऐड कर देंगे और ये थिक हो जाएगा, फ्लेम ऑफ कर देंगे तो आप इसको जब कुक करके रख देंगे तो ये अपना पानी छोड़ देगा, इसलिए हमें इसे थोड़ी देर कुक करना चाहिए ताकि ना ये अच्छा सा कुक हो जाए और पानी भी ना अपना रिलीज़ करे। देखिए इसे थोड़ी देर के लिए हम बस 1 मिनट अराउंड कुक करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने अब कर दी है इसकी ताकि ये स्लो स्लो सा कुक हो जाए और चला भी लेंगे ताकि बर्न ना हो। ये देखें 1 मिनट अराउंड हो चुका है जो कुक होते हुए। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, थोड़ा हम इसको थिक ही रखेंगे ताकि ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाए। जब हम इसके अंदर फ्रूट ऐड करेंगे ना तो ये खुद से थिन हो जाएगा। बस हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। और जब तक हम इसके फ्रूट्स को कटिंग कर लेते हैं ताकि ये अच्छा सा फिर जब ठंडा हो जाए तो फिर इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए हमने कस्टर्ड जो ठंडा करने रखा था इतना अच्छा सा चिल्ड हो गया और हमने फ्रूट्स कट करके रख लिए। फ्रूट्स में मेरे पास है एप्पल और बनाना है हमारे पास एप्पल 1/2 कप, बनाना भी 3 से 4 अदद और थोड़े से हमने ग्रेप्स भी ले लिए 1/2 कप। आलमंड्स हैं, डेट है और वॉलनट्स, हमने इनको दोनों सारी चीज़ों को कट करके रख लिया। और ये जो कस्टर्ड है इसको हम ऐड कर देंगे, पहले से हम मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड को और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इतने इजीली और इतने जल्दी बन जाता है और ऐसे बच्चे भी खा लेते हैं फ्रूट और कस्टर्ड के साथ। इसमें हम ऐड कर देंगे बनाना
एप्पल भी ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो इजीली आप उसको ऐड कर सकते हैं। क्रेप्स भी ऐड कर देंगे। हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कस्टर्ड और फ्रूट जो मिक्स हो जाए। हमने कस्टर्ड को खुद से इतना थिक रखा है क्योंकि जब हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे ना तो ये खुद से थिन हो जाएगा। इसमें और ऐड कर देंगे थोड़ा सा, सारा ही ऐड कर देंगे बल्कि कस्टर्ड। आपको क्रीम सैलड, मैक्रोनी सैलड और फ्रूट चाट और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज हैं मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको भी देखनी हो तो मेरे चैनल पर जाएं और रेसिपीज़ को देखें। देखो सारा हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम सर्विंग बाउल ले लेंगे और उसमें सारा ये ऐड कर देंगे। कोई गेस्ट आ जाए आप उसके लिए भी बना सकते हैं। वैसे भी आप घर में टी टाइम पे चीज़ें जब रेडी करते हैं ये भी बना सकते हैं। अब हमने ये जो डेट्स ली हैं ये ऊपर से ऐड कर देंगे हम। सेंटर में भी मिक्स कर सकते हैं बट मैं ऊपर से ऐड कर दूँगी। वॉलनट्स हमने ले लिए, ये ऐड कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे इससे बड़े मज़े का टेस्ट आएगा। आलमंड्स भी हमारे पास ऐसे मोटे मोटे से हमने इनको भी क्रश कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे। ड्राई मिल्क ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे और टूटी फ्रूटी हमारे पास ये भी इसके ऊपर से ऐड कर देंगे ताकि अच्छा लगे और बच्चे भी अट्रैक्ट हों। देखें इतनी ज़बरदस्त इजी, सुपर इजी हमारी रेसिपी तैयार है फ्रूट कस्टर्ड। फ्रेंड्स हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी टू ईट है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें, बच्चों को बना कर दें हेल्दी रेसिपी। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।